यहाँ पे ये अपना YouTube का वेरिफिकेशन कोड आया है, वो यहाँ से रेड चला गया, अंदर जाके कुछ चीजें काट लिया है। Like I am happy and I am proud to say that। ओ भाई बहुत सेटिस्फाइंग काम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 200 व्लॉग में मैं ये सब अनबॉक्स कर रहा हूँगा। ना आपका केपी भाई का अकाउंट हो गया वेरीफाइड, आईडी, एल्बो गार्ड और नी गार्ड दोनों मैंने लगा लिया है। ले लिया ये पूरा सेट, ये हमें पड़ा पे मोटरोल का C1 C2 फॉर मेंटेनेंस। So good morning ladies and gentlemen, this is Ketan, welcome back to my vlog. Guys, welcome back to my 200th vlog. आज से लगभग 7 महीना पहले शुरू किया था पहला व्लॉग से, एंड कभी सोचा नहीं था कि 200 व्लॉग में इतना जल्दी कर लूंगा। मैंने तो सोचा कि डेली व्लॉग का सीरीज में बीच में ही एंड कर दूंगा, 6 महीने तो बहुत दूर का बात था, लेकिन 6 महीने का डेली व्लॉग किया उसके बाद अभी लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे व्लॉग आ रहे हैं, एंड इट्स गोइंग रियली वेरी कूल बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट बन रहा है ना, इसीलिए सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। वैसे गाइज 200 व्लॉग है तो आज तो कुछ स्पेशल दिखाना पड़ेगा ना आपको, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ही। यहाँ पे ये अपना यूट्यूब का वेरिफिकेशन कोड आया है, वो पूजा रूम पे रखा हुआ था, अभी यहाँ पे लाके रखा है, वो थोड़ी देर बाद मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे पापा भी जा रहे हैं गाड़ी का सर्विस स्टेशन एक बारी, क्योंकि हमारे गाड़ी में एक प्रॉब्लम आया है। वो प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, अभी तो फिलहाल घर पे रहने का टाइम नहीं है, डायरेक्टली निकल जाता हूँ। उससे पहले मास्क लेना पड़ेगा बिकॉज nowadays mask is really very important। अभी तो मैं अक्सर मास्क लेके घूमता हूँ, लास्ट टाइम कोविड के समय सेकेंड वेव पे मैं इतना भी मास्क नहीं पहना जितना मैं इस वेव पे पहन रहा हूँ एक्चुअली। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकलते हैं। सो गाइस वैसे तो मैं शोरूम पे पहुंच गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं गाड़ी का एक प्रॉब्लम बता रहा था, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली गाड़ी का सर्विसिंग हुआ था कुछ दिनों पहले, उसके बाद से लाइक गाड़ी घर से निकला ही नहीं, एंड परसों मैं गाड़ी लेके निकला था, एक छोटा मोटा गेड़ी मारने, उस समय मैंने गाड़ी का जो है डिफोकर ऑन किया था, उसी समय यहाँ पे देखना मैं अभी इसका एसी ब्लोअर वगैरह ऑन करूंगा, और ये जो वेंट्स है ऊपर का, इन सब वेंट्स से बहुत ज्यादा साउंड आने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। खैर अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर जाके उसका जो प्रॉब्लम है उसका पूछ के आते हैं क्या सोल्यूशन निकलने वाला है क्या नहीं। गाइस कलेश हो गया है, यहाँ से रेड चला गया, अंदर जाके कुछ चीज़ें काट लिया है, लाइक रेड तो हर जगह जा रहे हैं हम लोग का, क्या होगा। तो गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, चूहा भगाने का कोई सजेशन दो, कैसे भगाए कैसा नहीं, पूरा चूहा तो चूहा हमारा जिंदगी एकदम खराब कर दे रहा है, घर से लेके गाड़ी तक, हेडियर के अंदर भी इतने सारे चूहा आ गए थे एक दिन, मैं जाके पूरा गाड़ी साफ किया, एंड अब तो एनीवेज गाइस कोई हमें सजेशन दो क्या किया जा सकता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल हम लोग सर्विस स्टेशन से निकल गए हैं, जा रहे हैं घर, घर जाने के बाद मैं आपको आज का प्लान्स एंड रूटीन्स बताता हूँ। तो गाइज आज का डेट है 19th, और आप सभी को पता ही होगा 23rd जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है, तो लाइक हमारा रांगरखाड़ी पॉइंट पे जो है सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेचू है, पर वो जो है वो बिल्कुल भी मेंटेन्ड नहीं है, मतलब पेंट वगैरह उतर गया है एंड बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड टू से दैट मेरा जो क्लब है उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टेचू है उसे रेनोवेट करेंगे और क्लीन करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रांगरखाड़ी का पॉइंट पे, यहाँ पे सिलचर का ट्रैफिक जाम, ओहो हो ओ बॉस होंडा सिविक दैट्स अ कूल कार। तो या हम लोग रांगरखाड़ी पॉइंट तक पहुँच गए हैं, दिस इज द पॉइंट, एंड यहाँ पे पेंट का काम चालू हो गया है। चलो मैं यहाँ पे यू टर्न लेके बाइक कहीं पर पार्क करता हूँ, उसके बाद अंदर जाके थोड़ा काम पे हाथ बटाता हूँ। ए ब्रो ओए मुझे ही पेंट करना, मेरे को दे 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 बोल। ओ भाई बहुत सेटिस्फाइंग काम है। ये पेंट करने के बाद और क्या बाकी है उसके बाद? यहाँ पे गोल्ड होगा। अरे के देख तो हुआ क्या होगा ना। तो गाइस यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे ब्लैक कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे ब्लू होगा, और बाहर का ये सब भी पेंट होने वाला है, तो लाइक पूरा एकदम चेंज होने वाला है ये वाला स्पॉट। तो गाइस अभी फिलहाल मैं रांगरखाड़ी पॉइंट से निकल गया हूँ एंड घर जा रहा हूँ, घर जाके मुझे नहा धोवा के अपना वेरिफिकेशन कोड का अनबॉक्सिंग करना है। आज मेरा बाइक थोड़ा अंडर पावर लग रहा है,
पता नहीं ये ठंड का मौसम के लिए हो रहा है कि नहीं, आज से ज्यादा चला भी नहीं है, इंजन गर्म भी नहीं हुआ है। अभी फटाफट से घर चलता हूँ, घर जाके नहा धोवा के वेरिफिकेशन कोड का अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो गाइस फिलहाल मेरे हाथ पे एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड और अभी हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं और इसके साइड पे लिखा हुआ है रिमूव साइड एजेस फर्स्ट। उसी से शुरू करते हैं। पहली बारी आया है तो बहुत डिफरेंस अभी फील आ रहा है मुझे। चलिए खोलते हैं। चलिए गाइस आज का जो ये व्लॉग है ये 200 स्पेशल व्लॉग हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 200 व्लॉग में मैं ये सब अनबॉक्स कर रहा हूँगा। पर क्या है ना गाइस, लाइफ इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं ये 2 हफ्ते में आ जाएगा, जस्ट ये 2 हफ्ते में आ गया। यूट्यूब मैंने खुद बोल के दिया था कि ये लगभग 3 से 4 महीना लगेगा, 3 से 4 हफ्ता लगेगा, पर कोई नहीं, बहुत ही जल्दी आ गया। Holy smokes! तो गाइस यहाँ पे हमें हमारा कोड मिल गया है जो कि मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, जाके वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेसिंग कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया है ना, आपका KPY का अकाउंट हो गया है वेरीफाइड, आइडेंटिटी वेरीफाइड भी कंप्लीटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड, ग्रेट सक्सेस। तो फिलहाल तो गाइस वेरिफिकेशन का काम हो गया कंप्लीट। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं जाने वाला हूँ बाइक सेंटर। आज सोच रहा हूँ मैं अपना एल्बो गार्ड और नी गार्ड खरीद लूँ, क्योंकि कल का व्लॉग में मैंने सबका कमेंट पढ़ा, उनमें से कुछ कमेंट है कि जैकेट ले लो, कुछ थे कि नी गार्ड ले लो और एल्बो गार्ड ले लो, और एक कमेंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया दैट इज कि जैकेट मुझ पे सूट नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं नी गार्ड और एल्बो गार्ड ही ले लेता हूँ इस बार, और नेक्स्ट विंटर पे मैं जैकेट ले लूंगा। और तब तक मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा खा के पी के मोटा वोटा होता हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं नी गार्ड और एल्बो गार्ड लेने के लिए निकलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बहन का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और ये ऑनलाइन क्लास का ऑनलाइन यूनिफॉर्म। तो एनीवेज गाइस मैं बाइक सेंटर पहुंच गया हूँ पापोन भाई का दुकान पे। हाय। तो यहाँ पे बाइक का सारा एक्सेसरीज मिल जाता है, तो मैं अपना बाइक का सब यहाँ से ही लगाता हूँ, एंड एक्सेसरीज जैसे कि ये नी गार्ड फिर जैकेट वगैरह यहीं से लेता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं ये नी गार्ड और एल्बो गार्ड एक बार टेस्ट करूंगा, फिर यही ले लूंगा। जैकेट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत लोचा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये एल्बो गार्ड और नी गार्ड दोनों मैंने लगा लिया है और दोनों ही एक्चुअली सूट कर रहे हैं मुझ पे, तो मेरा दिल तो इसी पे गया है, तो मैं आज ये दोनों ही ले रहा हूँ। और अपना बाइक का मैंने चेन का भी कोई मेंटेनेंस नहीं किया, तो यहाँ से मैं C1 C2 भी लूंगा, उसका मैं कैसे यूज है क्या नहीं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। आज के लिए तो फिलहाल मैं ये सब लेता हूँ। ये ना सूट कर रहा है क्या बताओ, कर रहा है तो सब सही है, चलो यही लेते। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ये नी गार्ड और एल्बो गार्ड ले लिया है, ये पूरा सेट, ये हमें पड़ा 1800 का। और यहाँ पे मोटरोला का C1 C2 फॉर मेंटेनेंस और उसके साथ एक ब्रश फ्री में दिया भैया ने। तो अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं दुकान से। यहाँ मैं घर पहुँच गया हूँ, बाइक को मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ बाइक को थोड़ा साफ कर लूँ, क्योंकि बाइक का कंडीशन पूरा ख़राब हो रखा है, ये तो पूरा एकदम ख़राब हो रखा है बाइक। बाइक को साफ़ कर लूँगा अभी मैं, पहले ऊपर सामान वगैरह रख के आता हूँ। और C1 C2 जो है वो मैं कल अप्लाई करने वाला हूँ, तो उसका वीडियो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है। चलो तो गाइज यहाँ पे मैं अपना बाइक कर लिया है साफ, पूरा बाइक साफ़ सुथरा हो गया है। व्हील्स एक बार देखो, आज पॉलिश नहीं किया है, आज एक्चुअली टाइम नहीं है तो पॉलिश नहीं किया है व्हील्स पे, पर वैसे ही बहुत क्लीन लग रहा है। एंड ठंड का दिनों में बाइक साफ़ करना इज़ ए चैलेंजिंग काम गाइज, इतना ठंड लग रहा था मेरे को, उसी बीच मैंने बाइक भी धो लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है एक्चुअली। एनीवेज कल मैं बाइक का चेन को ल्यूब करूँगा, तो C1 C2 जो मैंने लाया वो कल मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो कल का व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ 200 नंबर व्लॉग में ये पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम कैफे व्लॉग।